एन दा। तीन आर्टिकल्स में से दा एक ऐसा आर्टिकल्स है जिसे यूज करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस है, जिसे बहुत सारी कंडीशंस में हमको यूज करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां हमें इसे बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम फिर भी यूज कर लेते हैं तो ये हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। इससे ना सिर्फ हमारा सेंटेंस गलत होता है बल्कि हमारा जो इम्प्रेशन है वो भी गलत पड़ता है। आज हम देखेंगे कि हमें दा कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्ड में बताया गया है कि वी यूज दा विथ, हम दा किस किन जगहों पर हमको दा यूज करना जरूरी है, किन किन कंडीशंस में हमको दा यूज करना जरूरी है, ये इस कार्ड में बताया गया है। टोटल ऐसी 8 कंडीशंस है जहां पर हमें दा यूज करना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि सबसे पहला यूज दा का क्या है और कहाँ हमें दा यूज करना कंपल्सरी होता है, जिसमें सबसे पहला है होली बुक्स। अब होली बुक्स किसे कहते हैं? होली बुक्स मीन्स मुकद्दस किताबें, रिलीजियस बुक्स, मजहबी किताबें, इसे हम कहेंगे होली बुक्स। जैसे कि कुरान है, बाइबल है, भगवद गीता, ये तमाम होली बुक्स है। तो हम इनके साथ या इनके साथ हम दा ऐड करेंगे, जैसे कि हम कहेंगे द कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता। तो दूसरा यूज है दा का नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कुदरती चीज़ें जो कि स्पेशल होती है, जो कि सबसे अलग होती है, कुछ स्पेशल होती है, तो हम उन्हें नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि स्पेशल होती है हम उनके साथ दा ऐड करेंगे। नैसर्गिक वस्तु जैसे अब क्या है, जैसे स्काई है, मून है, सन है, यानी हम जितने भी प्लैनेट हैं हम उन सब के साथ दा ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल है, एक तो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नैसर्गिक वस्तु है और साथ साथ स्पेशल भी है, इसलिए हम उसके साथ दा ऐड करेंगे। जैसे द सन, द मून, द जुपिटर, द अर्थ, इस तरीके से। देखिए अभी तक हमने दा के दो कंडीशंस देखे, सबसे पहला था होली बुक्स यानी मुकद्दस किताबें, रिलीजियस बुक्स, सेकेंड था नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक, जो यूनिक होते हैं हम उनके साथ दा लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि दा का तीसरा यूज क्या है। दा का तीसरा यूज है सुपरलेटिव्स। वी यूज दा विथ सुपरलेटिव्स। अब सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? सुपरलेटिव्स यानी जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है या सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है, उसे कहेंगे सुपरलेटिव्स। जैसे डिग्री है, डिग्री में पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स सबसे अच्छा या सबसे ख़राब जो भी है। जैसे कि हाई है, हाई की कंपेरेटिव डिग्री होगी हाइयर और सुपरलेटिव डिग्री होगी हाइएस्ट, तो हम कह सकते हैं द हाइएस्ट, इस तरीके से हम लगाएंगे। जैसे कि इंटेलिजेंट है, अभी हमको कहना है कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये हम एक सादी बात कह रहे हैं कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन हमको कहना है कि वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम उसके लिए कहेंगे द मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या कहेंगे? द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट ये है सुपरलेटिव डिग्री, तो हम इसके साथ लगाएंगे द मोस्ट इंटेलिजेंट। या हमें कहना है विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी मानी जाती है? ताजमहल, तो हम कहेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस तरीके से। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ज़्यादा ऊंची, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। द लॉन्गेस्ट रिवर, इस तरीके से हम सुपरलेटिव्स के साथ दा ऐड करेंगे। अभी तक हमने दा के 3 यूजेस देखे, जिसमें पहला था होली बुक्स, सेकेंड था नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स के साथ दा ऐड करेंगे।
हाउसेस देखें, जिसमें पहला था होली बुक्स, सेकेंड था नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स के साथ दा ऐड करेंगे। तो अब तक के दा के तीन यूजेस हो चुके हैं। अब हम देखते हैं उसके बाद और क्या है। उसके बाद चौथा नंबर पर है, क्या है ये? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स यानी किसी की खूबी बताना या ख़राबी बताना वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे कि टॉल है, ब्यूटीफुल है, ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन, ये जो सब है ये सब एडजेक्टिव्स है। तो जब हम इन एडजेक्टिव्स को बताते हैं तो हम उसके साथ दा ऐड करते हैं। तो देखते हैं कि दा का अगला यूज़ क्या है। दा हम और किसके साथ लगा सकते हैं? तो दा हम लगा सकते हैं रिवर्स, सी, ओशंस एंड द माउंटेंस, इनके नामों के साथ भी हम दा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल नाम होगा और हर स्पेशल चीज़ के साथ हम दा ऐड करते हैं। जनरल चीज़ों के साथ हम दा ऐड नहीं करते, स्पेशल चीज़ों के साथ हम दा यूज़ करते हैं। तो रिवर्स, सीज, ओशंस और माउंटेंस, इनके साथ हम दा लगाएंगे, जैसे कि द गंगा, द यमुना, इस तरीके से हम इन नामों के साथ लगाएंगे। माउंटेन्स में द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट। का अगला यूज क्या है? दा का अगला यूज है सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट होल क्लास। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक अकेला नाम यूज करना, एक सिंगुलर नाउन यूज करना, लेकिन उस नाउन से पूरी क्लास को एड्रेस करना, उस नाउन से पूरी क्लास के बारे में कुछ खास बात, कुछ खास इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो इसे कहते हैं, इसे इस जगह पर हम दा यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए, दा काउ इज़ यूजफुल एनिमल। द काउ इज़ यूजफुल एनिमल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गाय एक यूजफुल एनिमल है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि एक गाय यूज़फुल है और बाकी के जो तमाम गाय है वो यूज़लेस है, ऐसा मतलब नहीं है। बल्कि हमारी सेंटेंस का मतलब है कि गाय की जो पूरी कैटेगरी है, जो पूरी क्लास है, वो पूरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए हमने काओ के साथ दा ऐड किया, क्योंकि हम काओ के कहकर पूरी गाय के बारे में, पूरे जो काऊ की जो पूरी क्लास है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दा लगाया। लेकिन अगर हमें एक लड़की का जिक्र करके, एक गर्ल का जिक्र करके पूरे गर्ल्स के बारे में कोई ख़ास बात बतानी है तो हम वहाँ पर द गर्ल यूज़ नहीं करेंगे। ये ह्यूमन बींग्स में इस तरीके से दा नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन चीज़ों, किसी चीज़ में या किसी ऐसे एनिमल्स वगैरह में हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि अगला क्या है। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग का क्या मतलब? पर्टिकुलर थिंग और पर्सन का मतलब है कि किसी स्पेशल स्पेसिफिक चीज़ के साथ हम दा ऐड करेंगे, किसी भी जनरल चीज़ के साथ हम दा ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम कहते हैं आई लाइक टू रीड बुक्स, मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का? कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, और ये जनरल बात हो गई कि कोई भी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बस ये बात। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी स्पेसिफिक बुक का नाम लेते हैं और किसी ख़ास बुक के बारे में हम बताते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे दा। अभी यहाँ पर किसी ख़ास बुक का नाम नहीं लिया गया है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ बुक्स ले लिया। जैसे अगर हम कहेंगे आई लाइक टू रीड कुरान, बोलना है हमको, तो हम कहेंगे आई लाइक टू रीड द कुरान। इस तरीके से हम किसी स्पेशल बुक का नाम लेते हैं तो दा लगाते हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारे जो दा के यूजेस थे वो ख़त्म हुए, जो कि एक थे, सबसे पहला था होली बुक्स यानी मुकद्दस किताबें, सेकेंड नंबर पर है नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक, थर्ड है सुपरलेटिव्स, फोर्थ एडजेक्टिव्स, फाइव रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन्स, सिक्स है सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट होल क्लास, एंड लास्ट वन इज पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इनके साथ हम दा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दा के यूजेस ख़त्म हुए। अब हम देखेंगे कि हमें दा कहाँ पर नहीं लगाना है।
अब इस कार्ड के जरिए अब हम ये देखेंगे कि हमें द कहाँ यूज़ नहीं करना है। ये देखिए, वी कांट यूज़ द विथ, हमें द किन किन प्लेसेस पर और किन किन कंडीशंस में यूज़ नहीं करना चाहिए, अब ये देखेंगे। जिसमें पहला है, पहला क्या है, कंट्री नेम। कंट्री नेम के साथ हम द यूज़ नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, हम उसके साथ द यूज़ नहीं कर सकते। चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हम उसके साथ द यूज़ नहीं कर सकते। अब ये बहुत सारे लोगों के जहन में इस किस्म का सवाल आ सकता है कि सॉरी, व्हाई इंडिया नॉट द इंडिया, व्हाई अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूएसए और द यूके क्यों लगाया जाता है? जब हम किसी कंट्री नेम के साथ दा नहीं लगाते तो हम यूएसए के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ हम दा क्यों लगाते हैं? तो उसका आंसर ये है कि यूएसए एक प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव नाउन है। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक आइलैंड है जो कि बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर बना है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से मिलकर यूएसए बना है। तो जब हम नॉर्थ अमेरिका का जिक्र करेंगे तो हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे और साउथ अमेरिका के साथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम यूएसए बोलेंगे तो हमें उसके साथ दा लगाना पड़ेगा। इस तरह हम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और किसी भी कंट्री के साथ हम दा नहीं लगाएंगे। तो ये थी उसकी वजह। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। सेकेंड है, वी कांट यूज द विद रोड, स्ट्रीट, हम किसी भी गली और रोड के नाम के साथ द ऐड नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या है। थर्ड नंबर पर है लैंग्वेजेस, हम लैंग्वेजेस के साथ द नहीं लगा सकते। जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि द इंग्लिश, द मराठी, द हिंदी, हम किसी भी लैंग्वेज के साथ द ऐड नहीं करेंगे। लास्ट है पर्सन नेम, पर्सन नेम के साथ द ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन नेम एक प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए हम उसके साथ द ऐड नहीं करेंगे। अब जैसे कि अगर मेरा नाम अल्वीना है तो मैं उसे द अल्वीना नहीं कहूँगी, या फिर अ से स्टार्ट हो रहा है तो एन अल्वीना, इस तरीके से ऐड नहीं किया जाता है। इन चारों के अलावा एक और चीज़ है जिसके साथ हम द यूज़ नहीं करते, वो है जॉब। किसी भी जॉब के साथ हम द ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, अभी सेंटेंस को देखिए, आई वॉन्ट टू बी टीचर, यहाँ पर मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, तो यहाँ पर अब कौन सा आर्टिकल आएगा? द टीचर हम लगा सकते हैं क्या? हम यहाँ पर द टीचर नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर आ एन में से लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर द नहीं लगा सकते। अगर हमने यहाँ पर द लगाया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टीचर एक प्रोफेशन है, एक जॉब है, इसलिए हम किसी भी प्रोफेशन या किसी भी जॉब के साथ दा ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे हमने पांच देखे जिसके साथ हम दा नहीं लगा सकते, जिसमें पहला था कंट्री नेम, रोड, स्ट्रीट, लैंग्वेजेस, पर्सन नेम एंड जॉब्स, इनके साथ हम दा ऐड नहीं करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करें। इस पर जल्द ही क्विज की वीडियो अपलोड की जाएगी। Don't forget to subscribe.